तो ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा है ना, उसमें हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ हाँ सर ग्रेविटेशन देखा है। बिटवीन हाँ टू सर ऑब्जेक्ट कितना फोर्स लगता है, फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस m1 एंड m2 केप्ट एट अ डिस्टेंस r, इसका फॉर्मूला होता है g m1 m2 by r square। याद है g कौन सा, हाँ सर कैपिटल g, कैपिटल g यस की सर वैल्यू याद है, ये क्या होता है सबको पता है, इट इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हर जगह सेम होती है, याद है कि नहीं याद है? यस सर हाँ सर यस सर है याद ना, है इसकी वैल्यू कितनी होती है पूरे यहाँ सर यूनिवर्स में, याद है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 11 है ना न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, सीजीएस यूनिट इसकी। समझ में आया क्या, याद है सबको यहाँ तक? यस सर हाँ सर ठीक है, हाँ सर हाँ सर देन यस सर फिर हमने पढ़ा था एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी होता है, इट इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट इज ग्रेविटी, फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लैनेट्स ऑन द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटी। ग्रेविटेशन भी बोलते हैं या ग्रेविटी बोलते हैं, ग्रेविटी स्पेसिफिकली किसके लिए बोलते हैं, जो प्लैनेट्स फोर्स लगाते हैं छोटे छोटे हम जैसे ऑब्जेक्ट्स पे जो उनके फील्ड में आ जाते हैं, समझ में आया क्या, उसको बोलते हाँ हैं सर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। इस यस फोर्स की सर वजह से जो एक्सेलेरेशन आएगा उसको बोलेंगे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हर प्लैनेट का अलग अलग होता है क्योंकि हर प्लैनेट अलग अलग फोर्स लगाता है, समझ में आया? यस सर हाँ सर उसका यस फॉर्मूला ऑन सर द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट की सरफेस पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर, याद है सबको, यस स्मॉल सर जी इज इक्वल टू हाँ कैपिटल यस जी एम बाई आर स्क्वायर, है ना। अर्थ के लिए भी होता है, हाँ मून के लिए भी होता है, किसी भी प्लैनेट के लिए फॉर्मूला वैलिड होता है, बट ओनली ऑन द सरफेस। आर क्या है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट, मास एम क्या है, मास ऑफ द प्लैनेट, समझ में आया। फिर हमने देखा था वेरिएशन इन जी, वेरिएशन जी, अगर हम किसी प्लैनेट जैसे अर्थ की बात करें, अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओ तो भी जी, अंदर जाओ तो भी जी कम होता है, समझ में आया, फॉर्मूला याद है सारे, फॉर्मूला याद है ना। एंड ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, अर्थ का शेप थोड़ा इलिप्टिकल होता है, रेडियस एट इक्वेटर ज्यादा होती है कंपेयर टू रेडियस एट पोल, सो इक्वेटर पर जी की वैल्यू कम होती है, समझ में आया, क्योंकि वहां पर रेडियस ज्यादा है सेंटर से, सेंटर से डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए जी की वैल्यू कम है, समझ में आया। हाँ सर ये सारे पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ड्यू टू डेप्थ परसेंटेज चेंज निकालना, ड्यू टू हाइट, ड्यू टू डेप्थ, समझ में आया, ड्यू टू शेप, है ना, क्लियर है यहाँ हाँ तक सर सबको? यस सर यस सर। इसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यस फॉर स्कूल पर्पस, है ना, और सिंपल सिंपल कॉम्पिटिटिव में भी सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, इसपे डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। वैसे तो आपको डिफरेंस समझ में आ ही गया होगा, बेसिकली सबसे पहला डिफरेंस आपको इनके इनके बारे में बताना है कि स्मॉल जी इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, समझ में आया, इट इज एक्सेलेरेशन, कैपिटल जी इज ए कॉन्स्टेंट, इट इज ए कॉन्स्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग द फोर्स बिटवीन टू एनी ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स, समझ याद आया सबको? हाँ ये फर्स्ट डिफरेंस था, ठीक है, क्या कि स्मॉल जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है और कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। अब और क्या क्या डिफरेंस है, स्मॉल जी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलेरेशन है ना, कैपिटल जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये कांस्टेंट है। स्मॉल जी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैपिटल जी की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, समझ में आ रहे हैं सबको? यस सर तीन डिफरेंस हो गए। फोर्थ डिफरेंस, स्मॉल जी चेंज होता रहता है, कैपिटल जी कभी भी चेंज नहीं होता है, समझ में आया क्या? हाँ सर यस सर। चाहे आप कोई से भी प्लैनेट पे चल जाओ, अर्थ के कितनी भी हाइट पर चले जाओ, कितनी भी डेप्थ पर चले जाओ, सेंटर पे चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, कैपिटल जी चेंज नहीं होगा, समझ में आया, बट स्मॉल जी हर जगह चेंज हो जाएगा, एवरी प्लैनेट पे अलग अलग होता है, अर्थ पे भी किसी हाइट पर आप ऊपर जाते जाओ कम होता जाता है, सेंटर पे जाते जाओ कम होता जाएगा, सेंटर पे जीरो हो जाएगा, इक्वेटर पे अलग होता है, पोल हाँ पे अलग होता है, बट कैपिटल जी तो हर जगह सेम है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका नाम, समझ में आया क्या? यस सर हाँ सर। तो ये सारे डिफरेंस आपको लिखने हैं, yes. जो मैंने बताए आपको सारे, खुद से लिख लोगे टेबल बना के, ये हाँ आपका होमवर्क है, yes, sir, लिख लेंगे। आप हेल्प yes, ले सकते हो मॉड्यूल की, समझ में आया, हाँ बट सर सिंपल है, चाहो तो बिना देखकर भी लिख सकते यस हो सर
ऐसे टेबल बना लो और 50% ऑफ द पेज छोड़ दो. छोड़ दिया. यस ठीक है. अब क्वेश्चन करते है ना. डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी आपको लिख के रखना है. छोड़ना नहीं है कि बाद में लिखेंगे कभी. आज के आज ये लिखना है. ठीक है. ओके सर. ओके सर. यस सर. हाँ अब क्वेश्चन करते हैं. एक प्लैनेट ऑफ मास ट्वाइस ऑफ अर्थ एंड रेडियस. एक नंबर मास लिखो थ्राइस एंड रेडियस ट्वाइस ऑफ अर्थ. ठीक है. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट ऑफ दैट प्लैनेट टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ. सर मैं दो मिनट के लिए कैमरा बंद कर रहा हूँ सर. ओके. है ना. क्वेश्चन समझ में आया सबको. एक प्लैनेट है हमारे पास. ठीक है. उसका मास 3 times है और रेडियस 2 times है. हमें कैलकुलेट करना है रेशियो उसकी प्लैनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो कंपेयर टू द अर्थ. इन दोनों का रेशियो निकालना है. करो कैलकुलेट. देखो सबसे पहले क्या क्या गिवन है वाली. है ना. जो भी प्लैनेट है उसका मास ऑफ प्लैनेट में ऐसे लिख रहा हूं वो है ट्वाइस ऑफ मास ऑफ अर्थ. नहीं थ्राइस. और रेडियस है. रेडियस ऑफ प्लैनेट है ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ. समझ में. रेडियस को कैपिटल में लिखते हैं हमेशा. वो ट्वाइस है रेडियस ऑफ अर्थ की. ठीक है. हमसे एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लो इस प्लैनेट की एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीपी है और इसकी है जीई. तो हमसे जीपी बाई जीई पूछा है. क्या पूछा है. जीपी बाई जीई. तो देखो जी का फॉर्मूला क्या होता है. जीएम बाई आर स्क्वायर. तो जीपी क्या होगा. जी एम पी बाई आर पी स्क्वायर. ये होगा ना. और जी क्या होगा. कैपिटल जी. जी तो हर जगह सेम रहेगा. कैपिटल जी तो हर जगह सेम रहेगा ना. ठीक है. एम ई बाई आर ई स्क्वायर. ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड. हमें रेशो निकालना है ना. फर्स्ट बाई सेकंड कर दो रेशो आ जाएगा. जीपी बाई जी कर दो. तो जीपी बाई जी करोगे तो जी से जी तो कैंसिल होगा. होगा कि नहीं होगा. तो क्या बचेगा. एम पी बाई आर पी स्क्वायर. और इधर आर ई स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और एम ई इधर आया. समझ में आया क्या. हाँ सर. समझ में आया कि बताऊं और डिटेल में. सबको स्क्रीन दिख रही है. हाँ सर दिख रही है. यस सर दिख रही है. अब यस सर. MP की वैल्यू कितनी है. 3 times ऑफ एम ई. तो यहाँ ये पुट कर दें MP की जगह. 3 times ऑफ एम ई. है ना. और RP की वैल्यू कितनी है. 2 times ऑफ आर ई. तो RP की जगह मैं लिख दूंगा 2 times ऑफ आर ई का स्क्वायर इंटू आर. इधर आर ई स्क्वायर अपॉन एम ई. है ना. एम ई से एम ई कैंसिल. क्या बचेगा. 3RE स्क्वायर अपॉन ये 2RE का होल स्क्वायर मतलब 4RE स्क्वायर. RE से RE स्क्वायर कैंसिल. तो क्या रेशियो आया. 3:4. 3:4.
समझ में आया क्या? हाँ सर। किस किस का आया था आंसर? सर मेरा। ओके। सो व्हाट इज दिस नेक्स्ट क्वेश्चन? हाउ मच फास्टर डज ए बॉडी फॉल ऑन जुपिटर? ठीक है, कंसिडरिंग दैट जुपिटर 300 टाइम्स हेवियर देन अर्थ, मास 300 टाइम्स है एंड 10 टाइम्स बिगर देन अर्थ, रेडियस 10 टाइम्स है। समझ में आया क्या? तो इसमें बताना क्या है आपको, इसमें क्या बताना है? जैसे मान लो अर्थ का प्लानिट है और जुपिटर का प्लानिट है, अर्थ के प्लानिट से हम किसी चीज को ड्रॉप करते हैं, मान लो 1 सेकंड में नीचे आ रही है, कितने सेकंड में आ रही है सर? 1 सेकंड में। तो उतनी हाइट से अगर जुपिटर के प्लानिट पे ड्रॉप करें तो उसके कंपेयर में कितने जल्दी आ जाएगी? 0.1 सेकंड में आ जाएगी, 0.5 सेकंड में आ जाएगी? समझ में आया? मतलब दोनों का टाइम का रेशियो बताना है। मान लो मैंने अर्थ पे ड्रॉप किया TE टाइम में आई, मान लो जुपिटर में ड्रॉप किया TJ टाइम में आई, तो TJ बाई TE का रेशियो बताना। समझ में आया क्या? ओके सर। रिकॉर्डिंग का साइन आ रहा है क्या? नहीं सर। नहीं सर, अभी आ गया। ओके, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। हाउ मच फास्टर डज इट बॉडी फॉल ऑन जुपिटर कंसीडरिंग दैट जुपिटर इज 300 टाइम्स हेवियर देन अर्थ एंड 10 टाइम्स बिगर देन अर्थ। मतलब हमें बताना है कि जुपिटर का मास 300 टाइम्स गिवन है और रेडियस 10 टाइम्स गिवन है अर्थ के, तो अर्थ के कंपेयर में जुपिटर कितनी जल्दी, जुपिटर पर मान लो मैं ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता हूँ और अर्थ पर ड्रॉप करता हूँ, तो जुपिटर में जल्दी आ जाएगा तो पक्का है, क्योंकि इसकी जी बहुत ज्यादा होगी, स्मॉल जी। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। तो मैं दोनों का टाइम, चेक करते हैं। देखो जुपिटर की ग्रेविटी निकालते हैं सबसे पहले, तो ये होगा जी इंटू मास ऑफ जुपिटर अपॉन रेडियस ऑफ जुपिटर का स्क्वायर, और अर्थ का होता है जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। समझ में आया क्या? इसको स्मॉल जी बोलते हैं, अर्थ की स्मॉल जी बोल देते हैं अर्थ को। ठीक है, अब ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड करो तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, मास ऑफ जे अपॉन रेडियस ऑफ जे का स्क्वायर, और इधर रेडियस ऑफ ई का स्क्वायर अपॉन मास ऑफ अर्थ ही आ जाएगा, है ना? मास ऑफ जे कितने टाइम्स है? 300 टाइम्स। यहाँ पे लिख लेते हैं मास ऑफ जे इज 300 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, तो इसकी जगह मैं लिख दूं 300 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ जे इज 10 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, तो यहाँ पे 10 आर ई का स्क्वायर लिख दूंगा इसकी जगह। हाँ सर। हाँ सर। इनटू आर ई स्क्वायर अपॉन एम ई, एम ई से एम ई कैंसिल, तो क्या बचेगा? जी जे बाई जी है ना इज इक्वल टू रहेगा 300 आर ई स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर 100 आर ई स्क्वायर, आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कैंसिल, तो जी जे इज इक्वल टू, और या 20 से 20 कैंसिल, 3 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ आ गया। हाँ सर। समझ में आया क्या? हाँ सर। ये इक्वल टू कितना आया? 3 आया ना, तो जुपिटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के कंपेयर में 3 टाइम्स है, तो टाइम का रेशियो निकालना है हमें, है ना? अब जैसे मान लो ये जुपिटर है और ये अर्थ है, दोनों से मान लो मैंने सेम हाइट से ड्रॉप किया, एच हाइट से ड्रॉप किया, यू इक्वल टू जीरो, यू इक्वल टू जीरो, ये तो जुपिटर है और ये अर्थ, इस पे टाइम लगेगा मान लो टी जे और इस पे टाइम लगेगा टी ई। समझ में आया? हाँ सर। नीचे आने है ना, अब ये टाइम निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे हम? सेकंड सेकंड है ना,
सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे तो क्या लिखूंगा मैं, दोनों जुपिटर के लिए निकालता हूं पहले, हाइट तो दोनों में सेम है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये लिखूंगा ना। हाँ सर, नीचे की तरफ g पॉजिटिव होता है ना, u जीरो, तो h इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ जी जे इंटू टी जे स्क्वायर, ऐसे लिखूंगा। हाँ सर, जुपिटर के लिए दोनों चीज जुपिटर की होगी, समझ में आया? हाँ सर, आंसर यस सर। ये इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे अर्थ के लिए, अर्थ पे सेम ये इक्वेशन, यू तो जीरो है प्लस हाफ जी ऑफ अर्थ, जी लिखते हैं उसको, इंटू टाइम ऑफ अर्थ का स्क्वायर। हाँ सर, ऐसे लिखो, अर्थ पे जो टाइम लग रहा है ना, ये इक्वेशन थर्ड, वो फर्स्ट सेकंड तो वही होगी थी, ये फोर्थ, तो थर्ड डिवाइड बाई फोर्थ कर दो, क्योंकि मुझे रेशियो निकालना है, तो एच अपॉन एच हो जाएगा इधर तो, है ना, और इधर हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, जी जे बाई जी इंटू टी जे स्क्वायर बाई टी ई स्क्वायर, ये बचेगा। हाँ सर, बचेगा, एच से एच कैंसिल, इधर बचा वन, और इधर इसकी वैल्यू क्या थी, थ्री थी, है ना। हाँ सर, अच्छा, तो ये थ्री आया, है ना, और इधर यही बचा, इधर वन, तो टी जे बाई टी ई का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये पूरा होल स्क्वायर है, वन बाई थ्री आ जाएगा। हाँ सर, टी जे बाई टी ई कितना आ जाएगा, जो हमसे पूछा था, वन बाई टू रूट, इस किसका आया आंसर, मेरा। ओके गुड, समझ में आया, लिखो इसको, इधर से लिखो। Now our next topic is mass क्या होता है, weight क्या होता है, and difference between mass and weight, ये हमें पढ़ना है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। mass, mass तो क्या होता है, देखो पढ़ता है ना, mass F is equal to ma वाले formula में m क्या होता था, mass होता था, mass of the body, जिसको हम किलोग्राम में या ग्राम में measure करते हैं, actual में ये होता है किसी भी body के अंदर कितना matter present है उसको mass बोलते हैं, है ना। तो सिंपल से डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंड बाय एनी बॉडी इज कॉल्ड मास। इसके ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, सीजीएस यूनिट ग्राम, मुझे बताओ ये स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है? सर स्केलर, स्केलर, इसकी कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होती है ना, और इसको कैसे किससे मेजर करते हैं हम, इट इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस, किससे मेजर करते हैं, बीम बैलेंस देखा है ऐसा वाला, जिसमें एक दूसरे नोन मास से हम अननोन मास को कंपेयर करके बैलेंस करते हैं, ऐसे ऐसे बैलेंस होता है ना, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट वाला कंसेप्ट लगता है उसमें, कौन सा कंसेप्ट लगता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, बीम बैलेंस होता है, एक तरफ नॉन मास होता है, दूसरी तरफ अननोन मास होता है, हम दोनों को इक्वल करते हैं नॉन मास से अननोन मास को, तो जितना नॉन मास होता है उतना ही अननोन मास हमें मिल जाता है, समझ में आया क्या? हाँ सर। देन फिर वेट क्या होता है, कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे हमसे कोई पूछता है आपका वेट क्या है, जैसे मैं किसी से पूछता हूँ, जैसे आर्यन आपका वेट कितना है, हाँ नहीं पता, 48 kg में बताया आपने, केजी वेट की यूनिट होती है क्या, मुझे बताओ, सब केजी में बताते हैं, लेकिन केजी मास की यूनिट है, न्यूटन होती है सबसे, हाँ वेट की यूनिट तो न्यूटन होती है, बताओ सबसे पूछा जाता है वेट और सब बताते हैं मास, और सब जगह यही चलता है, सबसे वेट पूछते हैं, सब बताते क्या है, मास ही तो बताते हैं हम सब, है ना। हाँ सर, समझ में आया क्या, केजी तो मास की यूनिट होती है, हमारा मास है, जैसे आर्यन का मास है 48 kg, जैसे मेरा मान लो 65 kg, तो वेट निकालना है, वेट इज डिफरेंट, वेट तो एक फोर्स होता है, ये वो फोर्स होता है जिस फोर्स से हर ऑब्जेक्ट को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, समझ में आया क्या, तो हाँ मेरा वेट वो फोर्स होगा जिस फोर्स से अर्थ मुझे अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर
जाएगी। हाँ सर। देखो मास, क्या मास आप अलग अलग जाओगे चेंज हो जाएगा क्या मास? जैसे आप मून पे चले जाओ या किसी दूसरे प्लैनेट पे चले जाओ, मास चेंज होगा क्या? अमाउंट ऑफ मेटल उतना ही रहेगा कहीं पे भी ले जाओ। समझ में आया क्या? जैसे इस ऑब्जेक्ट को मैं किसी दूसरे प्लैनेट पे ले जाऊं, वहां पर भी इसका मास इतना ही आएगा, बट इसका वेट अलग आ जाएगा, क्योंकि वेट फोर्स होता है। अर्थ अलग फोर्स लगा रही है इस पे, दूसरा प्लैनेट इस पे दूसरा अलग फोर्स लगाएगा। समझ में आया क्या? हाँ। या फिर इसको आप अर्थ से दूर ले जाओगे तो भी इसका वेट चेंज होगा, क्योंकि दूर ले जाओगे तो अर्थ इस पे कम फोर्स लगाएगी तो वेट कम हो जाएगा। समझ में आया क्या? वेट क्या होता है? Weight is the gravitational force exerted by the earth towards its center. Weight of the body is the gravitational force exerted by the earth towards the towards its center. है ना? ये तो अर्थ पर वेट है। जनरली कि कोई भी प्लैनेट अपने सेंटर की तरफ जो फोर्स लगाता है उस फोर्स को ही वेट बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट का उस प्लैनेट के ऊपर। समझ में आया क्या? हाँ सर। जैसे मैंने बोला इस ऑब्जेक्ट का वेट मून पर बताओ, तो इसका मतलब ये कि मून इस पे जितना फोर्स लगा रहा है इसके सेंटर की तरफ, वो इसका वेट होगा मून पर। समझ में आया क्या? हाँ सर। है ना? सो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, वेट को? हम डिफाइन जनरली अर्थ के लिए करते हैं, सो अर्थ लिख देंगे। इट इज द, या फिर ऐसे लिखो, ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by earth towards its center, ऐसे भी लिखो, on any body, gravitational force exerted by earth on any body towards its center is weight of the body, weight of that body. समझ में आया? जैसे मान लो एक अर्थ की सरफेस पर एक एम मास की बॉडी रखी हुई, इसका मास है एम, तो अर्थ इसको सेंटर की तरफ फोर्स लगा रही होगी, कितना लगा रही होगी? एम इंटू जी, इतना लगा रही होगी फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ में आया क्या? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास। तो इसका मास किस पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं उसी का मास लेंगे, तो एम इसका मास है एम, एक्सेलरेशन होता है जी। समझ में आया क्या? तो यही तो वेट है, इसी को वेट बोलते हैं डब्ल्यू। तो वेट का फॉर्मूला क्या आया? एम इंटू जी, है ना? समझ में आया? अब मुझे बताओ, एम तो हर जगह कॉन्स्टेंट रहता है, बट जी तो चेंज होता है ना हर जगह। समझ में आया? हाँ सर। इसलिए वेट भी हर जगह चेंज होगा, सेंटर ऑफ अर्थ पर वेट जीरो हो जाएगा, क्योंकि जी जीरो हो जाएगा। समझ में आया? स्पेस में हमारा वेट जीरो क्यों हो जाता है? मास थोड़ा ना जीरो होता है, स्पेस में वेट जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जी जीरो हो जाता है। समझ में आया? स्पेस में हम फ्लोट करते ना एयर में, मतलब वैक्यूम में। समझ में आया क्या? हाँ सर। क्यों करते हैं? क्योंकि अर्थ वहां पे कोई फोर्स नहीं लगा रही, कोई दूसरा प्लैनेट भी नहीं लगा रहा है, तो कोई हमें बुला ही नहीं रहा है अपने पास। यहाँ पर तो अर्थ बुला लेती है, जैसे मैं इसको छोड़ूंगा अर्थ बुला लेगी इसको अपने पास। समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, बट स्पेस में ऐसा नहीं होता है, वहां कहीं कोई नहीं बुलाता है, तो वहां पर हमारा वेट जीरो होता है, क्योंकि वहां पे जी जीरो होता है, वहां पर किसी भी प्लैनेट की जी होती नहीं है। समझ में आया क्या? फील्ड के बाहर, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर, जहां पर जी की वैल्यू जीरो हो जाती है वहां पे वेट भी जीरो हो जाता है। सेंटर ऑफ अर्थ पे भी जी की वैल्यू जीरो होती है, हमने देखा था, याद है ना? तो वहां पर भी वेट जीरो हो जाएगा। समझ में आया क्या? अरे इवन अगर आप अर्थ पर ही इक्वेटर से पोल पे जाओगे, इक्वेटर से पोल पर जाओगे, तो वेट बढ़ेगा या कम होगा आपका? सर बढ़ेगा, क्योंकि इक्वेटर पर जी कम होता है तो वेट भी कम होगा, पोल पर जी ज्यादा होता है तो वेट भी ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ, और क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं
अर्थ से ऊपर जाओगे तो वेट बढ़ेगा या कम होगा? हाइट पे जाओगे तो आपका वेट बढ़ेगा या कम होगा? सर कम होगा, कम होगा, क्योंकि जी कम हो जाएगा। जो चीज जी के साथ होती है वही वेट के साथ भी होगी उसी रेशियो में। जी हाफ हो गया तो वेट भी हाफ हो जाएगा, एम जी बाई टू हो जाएगा। जी जी बाई टू हो गया तो वेट हो जाएगा, एम जी बाई टू हाफ हो जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। जी 5% चेंज हुआ तो वेट भी 5% चेंज होगा। समझ में आया क्या? जैसे आपसे पूछा कि 32 किलोमीटर ऊपर जाने पर कितने परसेंट से वेट डिक्रीज हो जाएगा, तो जी कितने परसेंट से डिक्रीज हुई थी याद है? 32 किलोमीटर ऊपर जाने पर सर हाफ 1% से हुई थी ना, भूल गए क्या? हाँ सर हाँ वन। 2H/R × 100 फॉर्मूला याद नहीं रखते हो तुम? 2H/R × 100 तो 2 × 32/6400 × 100 वन आया था आंसर, याद है? Yes, तो 1% से जी डिक्रीज हुआ था तो वेट भी 1% से डिक्रीज होगा। आंसर यही देना है आपको, फॉर्मूला वही लगाना है 2H/R × 100। अगर वेट पूछा जाए तो भी इस क्वेश्चन में अगर मैं जी की जगह वेट लिख दूं तो तुम छोड़ के आओगे क्या? नो सर। इन क्वेश्चंस में मैं फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ जी की जगह वेट ऑफ द बॉडी लिख दूं तो तुम छोड़ के आ जाओगे, ऐसा करोगे क्या? या फिर इस क्वेश्चन में? नहीं सर, नहीं छोड़ेंगे सर। हाँ यही फॉर्मूला लगाना है। समझ में आया क्या? हाँ सर। आंसर भी वही देना है, ठीक है? यस सर, यस। सो मैं क्या समझा रहा हूँ आपको कि मास तो हर जगह कांस्टेंट होता है बट वेट चेंज होता है हर जगह। समझ में आया? आया समझ में? हाँ सर। मास को आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे किसी ऑब्जेक्ट को ले जाओ, उसका मास वही रहेगा, जगह के साथ या टाइम के साथ वो चेंज नहीं होगा, हाइट वाइट डेप्थ के साथ। समझ में? हाँ, टाइम के साथ हमारा मास चेंज हो जाता है क्योंकि कभी कभी हम ज्यादा खा लेते हैं, कभी कभी कम खाते हैं, वो अलग चीज है। समझ में आया क्या? हाँ सर। बट जैसे ऑब्जेक्ट है, इसको कहीं भी ले जाओ आप, इसका मास वही रहेगा बट वेट चेंज हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, सो वेट फोर्स होता है, तो मुझे बताओ वेट की ऐसा यूनिट क्या होगी? केजी न्यूटन पर मीटर। ऐसा यूनिट ये एम, अरे इसकी क्या होती है किलोग्राम, जी की क्या होती है मीटर पर सेकंड, न्यूटन। अरे फोर्स की यूनिट यही तो होती थी। हाँ हाँ सर। हाँ ठीक है, सीजीएस यूनिट मास की ग्राम, एक्सेलरेशन की सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको क्या बोलते थे? डाइन। समझ में आया? डाइन। ठीक है। हाँ सर। मुझे बताओ वेट स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? सर वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है सर। तो वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन सेंटर की ओर है अर्थ के। समझ में आया? हाँ सर। यहाँ तक लिखो, फिर एक और यूनिट बताता हूँ वेट की आपको। ओके। अब देखो एक और यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट। कौन सी यूनिट बोलते हैं? ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ, वैसे तो फोर्स में भी यूज कर सकते हैं हम और वेट में भी यूज कर सकते हैं, वेट और फोर्स एक ही, वेट भी तो फोर्स ही होता है। समझ में आया क्या? है ना। अब जैसे मान लो मैंने एक ये ऑब्जेक्ट है, या फिर जैसे मान लो ये रूफ है ना? इस पर मैंने एक स्ट्रिंग की हेल्प से 1 kg का ऑब्जेक्ट हैंग कर दिया। कितने केजी का? 1 kg। तो ये रूफ पर कितना फोर्स लगा रहा है? कितना फोर्स लगा रहा है जितना इसका वेट है? हाँ सर, जितना इसका वेट है तो कितना फोर्स एग्जर्टेड बाय वन केजी ब्लॉक कितना होगा? इज इक्वल टू इट्स वेट। हाँ सर। इज इक्वल टू इट्स वेट। हाँ समझ में आया क्या? इसके वेट के इक्वल ही होगा। मान लो 2 kg का हैंग करते तो 2 kg जितना वेट होता उतना फोर्स लगाता। क्यों? क्योंकि इस पर अर्थ नीचे की तरफ, ये ग्राउंड है जैसे यहाँ पे, है ना, तो अर्थ इसको बुला रही है ना अपने पास, बट रूफ ने इसको रोका हुआ है स्ट्रिंग के थ्रू, तो अर्थ इस पे नीचे क्या लगा रही है? वेट। तो उतना ही फोर्स ये भी रूफ पे लगाएगा।
समझ में आया? और वेट का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी, एम कितना होता है इसका? कितना 1 और जी कितना 9.8, तो ये कितना लगा रहा है? 9.8 न्यूटन। समझ में आया? यस सर। इसी को हम बोलते हैं 1 kgf। इसी को क्या बोलते हैं? 9.8 न्यूटन को ही 1 kgf बोलते हैं, मतलब 1 kgf। ये kgf क्या है? किलोग्राम फोर्स बोलते हैं इसको फुल फॉर्म। ये यूनिट है किसकी? फोर्स की। किसकी यूनिट है? फोर्स की। जैसे मैंने बोला 1 kgf का मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मतलब मैं उतना फोर्स लगा रहा हूँ जितना 1 kg बॉडी लगा सकती है अगर उसको आप हैंग कर दो तो। समझ में आया क्या? जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं 2 kgf का मैं फोर्स लगा रहा हूँ किसी ऑब्जेक्ट पर, तो मैं उतना फोर्स लगा रहा हूँ जितना 2 kg की बॉडी लगा सकती है अगर उसको आप हैंग कर दो तो। समझ में आया क्या? हाँ सर। सो व्हाट इज 1 kgf? इट इज द फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ 1 kg बॉडी। व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय 1 kg? हाँ, या फिर ऐसे बोलते, इट इज द फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द 1 kg बॉडी, या फिर इट इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी ऑफ मास 1 kg। समझ में आया? हाँ सर। इज कॉल्ड 1 kgf। सो 1 kgf इज, इट इज ग्रेविटेशनल यूनिट। इट इज ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। सो 1 kgf इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय अर्थ ऑन द बॉडी ऑफ मास 1 kg। समझ में आया? हाँ सर। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, वेट ऑफ 1 kg बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 kgf। समझ में आया? तो 2 और 1 kgf कितना आया? 1 kg बॉडी का वेट कितना होता है? 9.8 न्यूटन। हाँ, जनरली कभी कभी हम 10 कैलकुलेशन के लिए 10 भी ले लेते हैं। समझ में आया क्या? तो 2 kgf कितना होगा? 19.6 न्यूटन। समझ में आया क्या? हाँ सर। आया समझ में? ऐसे gf भी होता है, ग्राम फोर्स। gf का फुल फॉर्म क्या है? ग्राम फोर्स। इसका मीनिंग क्या है? वेट ऑफ 1 gram बॉडी इज कॉल्ड एज gf, ग्राम फोर्स। वेट ऑफ 1 gram बॉडी, 1 gram बॉडी का कितना वेट होगा तुम निकाल लोगे। समझ में आया क्या? चाहे न्यूटन में निकालो या टाइम में निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया? हाँ सर। है ना, इस kgf का एक और नाम होता है kgwt। kgwt भी बोलते हैं इसको, किलोग्राम वेट। किलोग्राम। समझ में आया क्या? किलोग्राम वेट, 1 kg वेट मतलब वेट ऑफ 1 kg बॉडी। समझ में आया? हाँ सर। मतलब सर बस फोर्स की जगह वेट लिख दे, क्योंकि सर फोर्स और वेट एक। हाँ, एफ की जगह डब्ल्यूटी लिख दे। समझ में आया? हाँ सर। हाँ यस। तो कभी कभी फोर्स, फोर्स की यूनिट न्यूटन ना देके किलो केजीएफ में दिया होता है, तो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 9.8 से। समझ में आया क्या? हाँ सर। अब देखो, जैसे मास को बीम बैलेंस से मेजर करते हैं, वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? देखो, आपने देखा होगा स्प्रिंग लगी रहती है उसमें, है ना। उसको क्या करना है, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करना है, तो उस स्प्रिंग बैलेंस को हम पहले तो हैंग कर देते हैं कोई फिक्स्ड सरफेस से, जैसे रूफ से हैंग कर दिया, उसको हैंगर में टाई कर दिया, ठीक है। तो यहां से मैंने इसको हैंग कर दिया ऐसे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 3 kg का ऑब्जेक्ट हैंग किया है,
समझ में आया कितने किलोग्राम का मास है 3 किलोग्राम ठीक है। तो जैसे हैंग करूंगा ये स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगी और यहां पर ऐसे स्केल लगा होता है ठीक है, ऐसे स्केल लगा होता है। तो ये 0 है, ये 1 है, ये मान लो यहाँ 3 है। तो इसका जो ये आवाज आ रही ना सबको, ये यहाँ 3 तक आ जाएगा, ऐसे एक्सटेंड हो गया ये यहाँ 3 तक आ जाएगा। तो यहाँ पर जो रीडिंग होती है ये केजीएफ में होती है, किसमें होती है 3 केजीएफ। तो रीडिंग आए 3 केजीएफ क्योंकि मास 3 केजी है, तो रीडिंग 3 केजीएफ में आएगी ना, समझ में आया क्या? हाँ सर। तो इन शॉर्ट आपको मास भी पता लग गया, 3 केजीएफ अगर वेट है तो मास कितना है 3 केजी, समझ में आया क्या? 2 केजीएफ पे रुका तो मास कितना 2 केजी, 10 केजीएफ पे रुका तो मास कितना 10 केजी, समझ में आया? हाँ सर, लिख लो सर। ठीक है देन रुक जाओ एक साथ लिखना। इसके बाद आपको जैसे मैंने पूछा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, तो क्या खुद से लिख सकते हो? यस सर। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर स्कूल पर्पस। तो क्या क्या डिफरेंस है? फर्स्ट तो डेफिनेशन लिखनी है, मास की डेफिनेशन क्या लिखोगे? अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट बाय एनी बॉडी इज कॉल्ड मास। और वेट की डेफिनेशन क्या लिखोगे? ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड बाय अर्थ ऑन एनी बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज द वेट ऑफ दैट बॉडी, समझ में आया क्या? है ना? यस सर। फर्स्ट डेफिनेशन डिफरेंस ही हो जाएगा। सेकंड मास स्केलर है, वेट वेक्टर है, ये वेक्टर है ना। थर्ड इसकी यूनिट किलोग्राम है, इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी इसकी न्यूटन है ना, समझ में आया। फोर्थ ये हर जगह सेम रहता है, ये चेंज करता है, वेरी करता है, समझ में आया क्या? यस सर। है ना, चाहे आप पोल से इक्वेटर पे जाओ, हाइट पे जाओ, सेंटर पे ऑफ अर्थ पे जाओ, दूसरे प्लैनेट पे जाओ, हर जगह वेट चेंज हो जाएगा, समझ में आया क्या? जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, ये ऑब्जेक्ट का वेट अगर अर्थ पर 90 न्यूटन है तो मून पर कितना होगा? अर्थ पर इसका वेट 90 न्यूटन है तो मून पर कितना होगा? सर 19.8 नहीं बोला मैंने, 90 बोला, 90 यहां पर है इसका, तो मून पर कितना होगा वेट इसका? 15 होगा ना, 15 न्यूटन। अरे मून पर जी की वैल्यू जी बाई सिक्स होती है, वही सर, तो वेट भी, हाँ वेट भी डब्ल्यू बाई सिक्स हो जाएगा, समझ में आया क्या? लिख लो यहाँ पे, यहाँ पे लिख लेता हूँ। इस पे क्वेश्चन आते हैं होमी बाबा वगैरह में भी आते रहते हैं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। याद रखो वेट ऑफ ऑन मून इज इक्वल टू वेट ऑफ अर्थ डिवाइड बाई सिक्स, समझ में आया क्या? है ना, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए मास भी पूछ लेते हैं, तो मास ऑन मून, अरे वो तो सेम ही रहेगा मास ऑफ अर्थ के, आया समझ में? अच्छा, डिवाइड बाय सिक्स क्यों किया मैंने? सर आपने बताया था, क्योंकि जी ऑफ मून इज जी बाई सिक्स होती है और वेट का फॉर्मूला होता है एम जी, तो मून पर होगा एम जी बाई सिक्स, समझ में आया? यस सर। तो डब्ल्यू बाई सिक्स आ जाएगा ना? यस सर। तो अगर मान लो जैसे मेरा वेट यहाँ पर मान लो 600 न्यूटन है, तो मून पर कितना होगा? 100, समझ में आया क्या? समझ में आया? अरे सबको अपना वेट तो निकालना आता है ना, वेट निकालने के लिए क्या करोगे, जो आपको मास उसका पता है उससे 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर केजीएफ में बोल दो। जैसे आर्यन तुम अपना मास वेट को तुमने 48 केजी बोला था ना, एक्चुअल में वो केजीएफ होता है, वो 48 केजीएफ, केजी तो मास की यूनिट है, समझ में आया? ऐसा तो केजीएफ बोल सकते हो वेट के लिए, 48 केजीएफ है मेरा वेट, मास पूछा जाए तो 48 केजी और वेट पूछा जाए तो 48 केजीएफ, समझ में आया क्या? Yes.
हाँ और न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि mg फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आया? यस हां सर। कोई डाउट तो नहीं है? यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में दोनों डिफरेंस रेडी करके रखना है, ठीक है? स्मॉल g कैपिटल g और मास और वेट। यस सर। ओके सर। और इसके एक्सरसाइज सॉल्व करने लग जाओ, ठीक है? ओके सर। ओके।